बहरिया टाउन के छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो एंड तक देखें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर सेगमेंट कराचियोलॉजी। मैं हूं आपकी होस्ट फिजा सिद्दीकी। हर इंसान चाहता है कि किसी नामी ग्रामी प्रोजेक्ट पे उसका अपना जाती घर हो, लेकिन आज हम जानेंगे किसी छोटे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं। ये जानने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर मोमिन जमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोमिन सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि छोटे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं? देखें, अगर हम बात करते हैं कि छोटे प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के हवाले से, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे अहम चीज़ आती है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट हमारे उसके अंदर मौजूद होता है। सही, हम उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं, वो एक टाइमली डिलीवर प्रोजेक्ट के अंदर हम काउंट कर सकते हैं। देखें, प्रोजेक्ट्स बड़े भी होते हैं, डिलीवर भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्होंने बहरिया टाउन कराची में आज भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर अगर आप देखें तो वो साल डेढ़ साल लेट हो चुके हैं स्टिल वो पोजीशन अपना देने में। सही, हमारा रेड बॉक्स का जो एम है, हमारा जो अपना प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट को पूरे ढाई साल के अंदर हमारे कस्टमर्स को, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम पोजीशन ऑन टाइम पे करें। अगर आप बात करते हैं इसके अंदर लिमिटेड फैमिलीज़ की, क्योंकि एक ये छोटा प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर एक लिमिटेड फैमिलीज़ मौजूद होंगी। सही, लिमिटेड फैमिलीज़ में इसके अंदर एक अगर आप बात करते हैं तो ये वेल नोन एजुकेटेड एंड वेल नोन सिविलाइज फैमिलीज इसके अंदर मौजूद होंगी। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कोई तीन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने अपार्टमेंट्स बुक कराए, एक हमने रिटायर्ड जज से पिच करी थी, उन्होंने अपना अपार्टमेंट बुक कराया। सही, दो हमसे प्रोफेसर्स ने एक अपार्टमेंट परचेज किया है। तो अगर आप देखें तो एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बन गया ये लोगों के रहने के, जहाँ पर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और जजेस मौजूद हैं। जैसा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है रेड बॉक्स का, एक अपना जो प्रोजेक्ट है रेड सिम हिल्स के नाम का, ये एक छोटा प्रोजेक्ट है जो कि अराउंड ग्राउंड प्लस 8 का ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर टोटल 32 अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। रेड सिम की जो आपने बात की है, तो रेड सिम हिल्स जो है वो रेड बॉक्स का अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है, तो इसके हवाले से बताइए कि इसकी लोकेशन कहाँ है और ये जो पूरा प्लॉट है तो इसकी ये कितने स्क्वायर यार्ड्स पर है? देखिए, अगर हम बात करते हैं बहरिया टाउन में हमारा जो प्रोजेक्ट है रेड सिम हिल्स के नाम का, उसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो मेन गेट से, बहरिया टाउन का जो मेन गेट है उससे टोटल जो इसकी ड्राइव है वो टोटल 3 किलोमीटर्स है। सही, 3 किलोमीटर्स के ऊपर हमारी ड्राइव पे हमारा प्रोजेक्ट है रेड सिम हिल्स के नाम का। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो इट्स बेसिकली एन आइडियल लोकेशन, बहुत अच्छी और एक बहुत आइडियल लोकेशन के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। सही, अगर आप इसके फ्रंट की बात करते हैं, जो इसका फ्रंट आ रहा है वो मेन कमर्शियल को फेस कर रहा है, कमर्शियल रोड आ रहे हैं और थीम पार्क की फेसिंग कर रहा है। सही, थीम पार्क जो भेजा का मशहूर पार्क है उसको ये फेस कर रहा है। और अगर आप इसके बैक की बात करते हैं कि इसका बैक व्यू क्या आ रहा है, तो एक बैक व्यू इसका एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट काउंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक 1.25 एकर्स का पार्क है और बहरिया हिल्स को ये बैक कर रहा है। सही, मतलब बहरिया हिल्स को इसकी बैक फेसिंग आ रही है, तो इसकी एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत आइडियल लोकेशन हम इसको काउंट करते हैं। सही, और जैसा कि आपने बात करी कि कितने स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो ये टोटल जो हमारा जो इसका स्क्वायर यार्ड है वो है 266 स्क्वायर यार्ड पे हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अच्छा, अपार्टमेंट्स जो हैं वो कितने स्क्वायर फीट्स पर हैं? देखें, अपार्टमेंट्स की अगर आप बात करती हैं तो अपार्टमेंट्स हमारे पास टोटल 3 कैटेगरीज के हमारे इसमें अपार्टमेंट्स हैं। सही, नंबर 1 जो है वो 1 बेड का है, 1 बेड D है, नंबर 2 जो है वो 2 बेड D है, और जो नंबर 3 है वो है 3 बेड D का। अगर आप नंबर 1 की बात करते हैं, जो 1 बेड D है वो टोटल 500 स्क्वायर फीट्स पे। सही, और अगर आप नंबर 2 की बात करते हैं वो है टोटल 850 स्क्वायर फीट पे 2 बेड लाउंज का। सही, उसके बाद अगर आप बात करते हैं 3 बेड की, तो 3 बेड जो आपका काउंट हो रहा है वो हो रहा है 1350 स्क्वायर फीट पे। ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है डिफरेंट अपार्टमेंट्स में। अच्छा मोमिन, इसकी प्राइस के बारे से बताइए, क्या है इसकी प्राइस और इसकी पोजीशन जो है वो कब तक मिल जाएगी? स्टार्टिंग फ्रॉम 1.2 मिलियन, जो कि 12 लाख से इसकी प्राइस स्टार्ट की जा रही है। सही, ढाई साल का हमारा प्लान है, इंस्टॉलमेंट्स का ये प्लान है हमारा। इसमें 1 बेड 2 बेड और 3 बेड तीनों हमारे इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हैं। सही, अगर आप इसकी बुकिंग पे आते हैं तो बुकिंग आपकी 12 लाख से इसमें स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो इसका पोजीशन हम 2.5 ईयर्स में हम इसका पोजीशन दे देंगे। अच्छा, रेड बॉक्स ने जो है अपने ये जो प्रोजेक्ट है इस पर कोई डिस्काउंट ऑफर किया है, तो उसके हवाले से मुझे कुछ बताएं। बेसिकली रेड बॉक्स ने इस पर बिल्कुल डिस्काउंट ऑफर किया, आपको बिल्कुल ठीक ये चीज़ मालूम है कि रेड बॉक्स ने इस पर डिस्काउंट ऑफर करी है। और रेड बॉक्स ने इस पर टोटल 2 तरह की डिस्काउंट ऑफर करी है। अगर स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से, तो नंबर 1 इज़ दैट कि रेड बॉक्स का जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। सही, अगर हम बात करते हैं 1 बेड की,
आप जैसे अगर फुल पेड कैश पे हमारी फाइल परचेज करते हैं, वन बेड का या टू बेड का, सही, तो इसके अंदर हम आपको रेंटल प्रोवाइड करेंगे। ठीक, इसका मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। वन बेड का जो अपार्टमेंट है उसकी जो फुल पेड फाइल है वो है 42,50,000 की, सही, और जो टू बेड की जो हमारे जो अपार्टमेंट की फाइल है वो है 72,25,000 की, सही। वन बेड में जो आपको रेंटल मिलेगा वो मिलेगा 21,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि 30 मंथ्स तक आपको मिलेगा। 2.5 साल का पोजीशन टाइम है, 30 मंथ्स तक आपको 21,000 मिलेंगे। और अगर आप बात करते हैं 72,25,000 की जो टू बेड पे, उसका आपको जो रेंटल मिलेगा वो मिलेगा 36,000 रुपीज़ पर मंथ, सही। आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, 36,000 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं 30 मंथ से, तो इसका जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 10,80,000, सही। 72,25,000 का अपार्टमेंट है, इसमें से अगर आप 10,80,000 रुपीज़ माइनस करते हैं तो ये कोई वैल्यू आपके पास अराउंड 61 की इसमें आपकी वैल्यू आ गई, आपको अपार्टमेंट पड़ गया ये कोई डिस्काउंट पे। और अगर आप इसके सेकंड बेनिफिट की बात करें, तो डिस्काउंट जो हमारा मौजूद था, तो सेकंड डिस्काउंट इसका ये है कि कुछ हमारे पास क्लाइंटेज है वो हमसे कहता है कि हमें इसके अंदर रेंटल हमें नहीं चाहिए, आप हमें स्टेट इसके अंदर से डिस्काउंट ऑफर करें। रेड बॉक्स ऐसा वाहिद इदारा है जो आप बहरिया टाउन के अंदर जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है और उसके अंदर इस फ्लैट 20% का ऑफ प्रोवाइड कर रहा है। फ्लैट 20% का मतलब हो गया कि जो आपका 72,25,000 का टू बेड है उसको अगर आप 20% फ्लैट ऑफ देते हैं, माइनस करते हैं जैसे, तो वो आ गया 57,80,000 पे टू बेड का। और अगर आप इसके अंदर वन बेड की बात करते हैं जो कि 42,50,000 का है और इसके अंदर आप फ्लैट 20% ऑफ ऑफर करते हैं, तो ये आ गया 34 लाख रुपीज़ का। अच्छा मोमिन, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आने वाले 2.5 सालों में जो है वो रेडसिम की वर्थ क्या हो जाएगी, आप रेडसिम को किस मुकाम पर देखेंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं आने वाले 2.5 सालों में कि रेडसिम कहाँ पे खड़ा हुआ होगा, तो मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ उसके अभी के रेट से, सही। जैसे अभी हम जो रेट कोट कर रहे हैं, अभी हमारे जो रेट है पर स्क्वायर फीट के वो कर रहे हैं 8,500 रुपीज़, सही। अभी उसकी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन उसकी ऐसे कि आप 8,500 को मल्टीप्लाई कराएं 500 स्क्वायर फीट से या 850 स्क्वायर फीट से। 500 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42,50,000 बनता है, 850 से अगर आप उसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बनता है 72,25,000, सही। अच्छा, ये होगा हमारे स्टार्टिंग के रेट। अब हर प्रोजेक्ट का एक अपना हायरार्की होती है, एक अपना तरीका होता है, जो एक अगर आप पूरे कराची में या पूरे बहरे टाउन में भी अगर आप देखें कोई नया प्रोजेक्ट जो बनता है, तो उस टाइम उसके रेट बहुत कम होते हैं, वो स्टार्टिंग रेट जो देता है वो कम देता है। आफ्टर डिगिंग के बाद वो अपने जो रेट देता है वो बढ़ा देता है। जैसे हमारा अभी जो 8,500 का रेट है वो हम ले जाएंगे 9,000 रुपीज़ पे, सही। और एट द टाइम ऑफ पोजीशन हम अपने रेट लेके जाएंगे 9,500 रुपीज़ और 10,000 पे। ये अब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि उसकी क्या सिचुएशन होगी, मार्केट क्या क्या वैल्यू बता रही होगी, उस टाइम हम उसको डिसाइड करेंगे कि किस पे लेके जाना है, सही। तो फॉर सपोज अगर आप इसको 9,500 से भी मल्टीप्लाई कराती हैं 850 स्क्वायर फीट्स को, तो ये आपके टोटल बन जाता है 80 लाख। आपको कितने का अपार्टमेंट पड़ रहा है, जैसे अभी हमारी लास्ट बात हुई थी कि आपको जो रेंटल मिल रहा है आपको पड़ रहा है 61 लाख रुपीज़ का, या अगर आप 20% ऑफ पे जा रहे हैं तो आपको अपार्टमेंट पड़ रहा है 57,80,000 का। और आपको अभी 2.5 साल के बाद जो आपको अपार्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9,500 से कोई 80 लाख रुपीज़ की। प्रॉफिट अगर आप इसका कैलकुलेट करें तो 61 से भी कैलकुलेट करती हैं तो 19 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, और अगर आप इसको 57 लाख से भी कैलकुलेट करती हैं तो हार्डली कोई 23 लाख रुपीज़ का आपको प्रॉफिट आ रहा है। इट्स रियली अ बिग डील एंड इट्स ओनली इन 2.5 ईयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और तफसलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अगर मज़ीद तफसलात जानना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर 03111122200 पर रابطہ करें और रेडसिम हिल्स की तफसलात हासिल करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।